हेलो एवरीवन, सो जान लेते हैं हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन अगर आप रीडिंग से कनेक्ट होते हैं तो। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मैं आपके टाइम स्टैम्प्स राशि के अनुसार पिन कर दूंगी, वो आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ ये रीडिंग्स को आप देख सकते हैं एज़ पर मून साइन, सन साइन या नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, बिकॉज टैरो कार्ड्स में जो भी राशि को आप सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप दो राशि को कंबाइन करके भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मून साइन से भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड उसके अलावा कोर्सेज को लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट है। सेल्फ लव वर्कशॉप मेरी अभी चल रही है तो आप जाके चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसी के साथ साथ में क्रिस्टल रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, अपॉइंटमेंट रिलेटेड सारी डिटेल्स, नंबर मिल जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स होती है वो आप फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई भी आपको नंबर दे तो वो सारे नो, मैं कभी भी आपको नंबर कमेंट बॉक्स में नहीं कहूँगी, मैं आपको कहूँगी डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, तो डिस्क्रिप्शन फॉलो करना, ठीक है। सो वहाँ पर ऑफिशियल नंबर अवेलेबल है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी चलिए रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं, कैसा रहने वाला है हफ्ता आप सभी लोगों के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, सो ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोग के लिए जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से। ओके, सो यहाँ पर जो आप लोग के लिए कार्ड है, सबसे पहला कार्ड है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मेष राशि, सो ये एक ऐसा कार्ड है जो आप लोग के लिए बता रहा है दैट यू नो कहीं ना कहीं आप हफ्ते की शुरुआत में अपने ड्रीम्स को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे। यू नो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या काम कर रहे हो, कुछ न्यू स्किल सीखते हुए दिख रहे हो, मतलब पूरा का पूरा फोकस आपके काम के ऊपर ही है। मिड वीक में कोई ना कोई बात को लेके यू नो हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। देखो एक लड़की है ना, थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई है एंड वो यू नो उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो सैड है, अपसेट है। तो ये प्रकार की कुछ एनर्जी दिखती है इन द मिड वीक। यहाँ पे लिखा हुआ दैट इट्स ओके टू क्राई। सो यहाँ पे मैसेजेस ये हैं आप लोग के लिए कि मिड वीक में थोड़ा सा मन उदास डिस्टर्ब हो सकता है, बट ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, टेम्पररी रहेगा, जल्दी डिसअपॉइंट हो सकते हैं बट उतनी ही जल्दी आप ठीक भी हो जाओगे। तो अपनी तरफ से भी कोशिश करना कि जो भी बात हो गई उसको लेट गो कर दे एंड देन यू नो बैक टू आप अपने काम पे फोकस कर सकते हो, या लेट गो करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर आप बात को पकड़ के रखेंगे ना तो फिर पूरा हफ्ता वो लिंगर ऑन हो सकती है बात। सो अपनी तरफ से गलती यू नो सामने वाले की है नहीं है, माने या नहीं माने, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि उसको लेट गो कर सकें। वहीं यहाँ पर जो आप लोग के लिए तीसरा कार्ड आया है दैट इज़ द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी थोड़ा सा रेस्ट मांग रहा है। सो माय डियर मेष राशि, हफ्ते की शुरुआत से लेके एंड तक पहली चीज़ तो तीनों स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। स्वॉर्ड मीन्स नो छोटे मोटे चैलेंजेस। सो ये हफ्ते में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है आप लोगों के लिए, कह सकते हो जैसे यू नो कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स तो सही डाल रहे हो लेकिन ये हफ्ता थोड़ा सा आप लोग के लिए स्लो माना जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा यू नो चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, जो रूटीन चल रही है चल रही है, कुछ न्यू बिग इवेंट्स होते हुए इस हफ्ते नहीं दिख रहे हैं। अगर होने भी है तो वो हफ्ते की शुरुआत में होंगे, यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है। मिड वीक और एंड वीक में कुछ बिग चेंजेस नहीं है, इनफैक्ट ये ऐसा पीरियड है सेल्फ हीलिंग और काम पे ध्यान देने का, या आपके लिए जो प्रायोरिटी चीज़ें वो ध्यान देने का, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर लेने वाला नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ है मेष राशि, तो ये वीक थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लो में कंसिडर किया जाएगा। लव रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के अगर आप जानना चाहते हो तो इस हफ्ते रिकन्सिलेशन नहीं दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट और फाइट्स को भी इग्नोर करना चाहिए फॉर दिस वीक। सो ये एनर्जीज़ है, ओके। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी इस हफ्ते की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो टॉरस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक।
ओके टॉरस। सबसे पहला कार्ड आया है द पेज ऑफ पेंटिकल एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। आप अपने यू नो सपनों को ड्रीम्स को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली यू नो अगर आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है या आप कोई अपॉर्चुनिटी खोज रहे हो अपने जीवन में, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत जल्द आएगी एंड उसमें सक्सेस आते हुए दिख रही है। नो मैटर इस वक्त में जो भी आपके छोटे मोटे लाइफ के चैलेंजेस चल रहे हैं, ऑनेस्टली आप उसको टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। बहुत से टॉरस राशि वाले शायद अपने घर से बाहर निकल कर कोई चेंज चाहते हैं। जब मैं घर से बाहर निकल कह रही हूँ तो यू नो वो एक नॉर्मल निकलना नहीं कह रही हूँ, इट मीन्स दैट यू नो कि आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर या तो प्लेस चेंज, सिटी चेंज, हाउस चेंज, जॉब चेंज, किसी ना किसी प्रकार का चेंज चाहते हो ना। यू आर एक्सप्लोरिंग दैट कि वो कैसे कर सकते हैं। अपनी तरफ से आप सेविंग भी कर रहे हो, कुछ सेविंग इसीलिए कर रहे हो क्यों कि कुछ आप बड़ी इन्वेस्टमेंट आगे जाके करना चाहते हो, आपके बड़े सपने हैं। बट कहते हैं ना कि धीरे धीरे कदम कदम के स्टेप से वो आप कर पाओगे एंड आप अपनी लाइफ में जो मैजिक क्रिएट करना चाहते हो वो थ्रू द टाइम होगा, बट अभी आप उस प्रोसेस में हो, ठीक है। तो इम्पेशेंट भी मत हो, आपकी जर्नी चल रही है एंड आप उसमें प्रोसेस में हो, लेकिन अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वो करते रहो, अच्छा ही होगा। रिस्क लेने की बात आ गई, अपने सेल्फ लव को स्ट्रॉन्ग रखो, कॉन्फिडेंट रहो, जो भी आप करना चाहते हो मैनिफेस्ट करते हो दिख रहे हो। देखो ये दोनों कार्ड्स में ना यहाँ से एक रास्ता जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ये खिड़की खुली है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी का रास्ता है। सो समय और ये द मैजिशियन के कार्ड है, तीनों कार्ड्स एक एनर्जी आप लोग के लिए बता रहे टॉरस राशि की। देखो आपके पास स्किल है, आपको भी पता है आपके पास कैपेबिलिटी है जो आप करना चाहते हो, सिर्फ अब देरी उस चीज़ के दैट यू नो कि एक लोगों को अब आपका टैलेंट दिख जाए, लोगों को आपके जो काम की कद्र है वो हो जाए और लोगों को मालूम पड़ने की वजह से जो आप अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपने दिमाग ये लगाना है, कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी तरफ से अपना जो भी कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर जैसे भी करके आप लोगों को बताएं, अपना काबिलियत लोगों को बताएं। कई बार आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं करने दीजिएगा अपने आप को। तो ये कंट्रोल रखो, बिकॉज देखो यहाँ पर भी लड़की मेहनत कर रही है, ये अपना शीशे में देखिए खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है, ये मैजिशियन के कार्ड हैं। सो सारी रीडिंग मोस्टली करियर ओरिएंटेड है, तो आपके एजुकेशन, फाइनेंस, जॉब, करियर अच्छी मानी जाएगी, नो नीड टू वरी विद दैट। एंड लव रिलेशनशिप में भी अब यहाँ पे कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, बट जो लोग सिंगल है ना टॉरस, आप लोग थोड़े से ऐसे रहोगे क्या, ठीक है जो मेरे साथ अच्छे से रहेगा उसके साथ रहेंगे, नहीं तो आप किसी के लिए इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप अपने आप में ही खुश हो, आप सिंगल में ही खुश हो। और जो लोग रिलेशनशिप में, उन लोग का रिलेशनशिप अच्छा खासा चलेगा इस हफ्ते, चिंता वाली बात नहीं है। एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, तीनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं, तीनों कार्ड्स ब्राइट हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ग्रोथ बनी हुई दिख रही है, ये हफ्ता आप लोग के लिए लकी ही माना जाएगा, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है, थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर जेमिनीज, कैसे हैं आप लोग? सो जेमिनी राशि वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं? क्या बात है। सो जेमिनीज, यहाँ पर जो आप लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड आया है द किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। करियर वाइज आप अच्छा करोगे, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा। अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में नो एक अंधकार सा छाया हुआ है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, ऑब्स्टिकल्स है, सो कहीं ना कहीं आप उन सभी को इस हफ्ते ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं, आपके विजडम से, आपके विल पावर से, आपकी आत्मा की स्ट्रेंथ से इन सारी प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व करते हुए दिख रहे हो इन दिस वीक। जो आप लोग के लिए सेकेंड कार्ड आया है ये द थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, हैप्पीनेस, जॉय, गेट टुगेदर। एंड कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नो जो आपके बड़े टाइम से कोई प्रोजेक्ट पे भी काम करो उससे भी आपको हीलिंग आएगी, पैसा आता हुआ दिख रहा है, आपका काम रिकॉग्नाइज होता हुआ दिख रहा है। एंड मैं कहूँगी कि जितना हो सके ना आप अपने
चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे आपके कलीग्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, सबके साथ ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करके इस हफ्ते चलिएगा, आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। हो सकता है आपसे कोई मदद मांग ले, आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो। कम्युनिकेशन स्किल्स अपने बहुत बढ़िया रखिएगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा इस हफ्ते। सो कम्युनिकेशन स्किल्स और बोलने के तरीके पे ध्यान दीजिएगा, वो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एंड ऑफ द वीक में ट्रैवलिंग के कार्ड्स भी दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के कार्ड्स दिख रहे हैं, आप लोग के लिए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। एंड मैं कहूँगी अगर आप अपने जीवन में नो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जेमिनी राशि वालों के लिए हफ्ता पॉजिटिव है, लकी और एक सूदिंग है। जैसे हम कहते हैं ना, ये जैसे लड़की अपनी मौज में नो साइकिल चला रही है, अपनी काम कर रही है, जो भी है अपनी जर्नी पर जा रही है, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ फाइन, उसी तरीके से आप लोग के लिए भी सेम गाइडेंस है कि यू नो आप अब डिपेंड करता है, अब आपके जीवन में स्थिति ऐसी है कि आपने भाई स्टक महसूस कर रहे हो, कन्फ्यूज्ड हो, जो भी है, बट लाइफ में आपको जो कार्ड्स कहना चाहते हैं कि भाई जो भी सिचुएशन है ना, रुकने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। चाहे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे काम में प्रॉब्लम्स हैं, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ट्राइंग समथिंग न्यू, कीप ट्राइंग समथिंग न्यू। रोज़ अपने आप को खुश करने के लिए नए नए तरीके ढूंढो। ये मत कहो, ये मत सोचो कि नो अब हम कुछ नहीं हो सकते, अब ये स्ट्रेस है। यू नो स्ट्रेस की वजह कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में बनी ही रहेगी, लेकिन अपने आप को फोर्सफुली कई बार खुश रखना पड़ता है। उस तरीके से अपना ध्यान दीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते आप लोग के लिए। रेस्ट, जॉब मिलने के योग हैं, बिजनेस ग्रोथ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छी है, रिकंसिलेशन है, तो हर रूप से यहाँ पे यस बना हुआ दिखता है। बिकॉज तीनों कार्ड्स पावर, कम्युनिकेशन, गेट टुगेदर एंड मूवमेंट के कार्ड्स आए हैं, ट्रैवल के कार्ड्स एंड ऑल्सो प्रमोशन के। तो इस हफ्ते किसी प्रमोशन के योग बने हुए तो अच्छा है। रिलेशनशिप में कोई न्यू प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिख रही, सो इट्स ऑल गुड एंड नाइस एंड पॉजिटिव वाइब्स। सो मैं कहूँगी खुशी खुशी इस हफ्ते को सेलिब्रेट करें, पॉजिटिव रहें एंड खाए पिए मस्त रहे जेमिनीज, और कोई टेंशन नहीं दिख रही आप लोगों के लिए। सो ऑल द बेस्ट, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर कैंसर्स, कैसे हो आप लोग? सो कैंसर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं? Cancers, the 10 of cups, the 9 of cups and the 10 of wands. Okay. सबसे पहला कार्ड the 10 of cups. It's a beautiful card. Cancers, ये बताता है कि आप लोगों के लिए ये हफ्ते की शुरुआत में फैमिली गेट टुगेदर है, पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, जॉय है, इमोशनली आप खुश रहोगे, सपोर्ट लोगों का बना रहेगा आपके जीवन में, तो अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, पैसा भी आता हुआ दिख रहा है, इमोशनल हैप्पीनेस है, रिलेशनशिप्स में इश्यूज थे तो वो भी ठीक होते हुए दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज। एंड यहाँ पर द 9 ऑफ कप्स, आई लव दिस कार्ड, ये कहता है दैट यू नो इस हफ्ते कोशिश भी कीजिएगा कि अपनी तरफ से नो आप ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड ये एक ऐसा कार्ड कहा जाता है कि नो जीवन में एक हमने जो इच्छा मांगी वो हमारी पूरी हो गई, एक हम कहते हैं ना जिनी का कार्ड कि भैया हमने मांगा और हमें मिल गया। कई बार मन ही ऐसा हो जाता है कि मन ऐसा होता है कि यार जितना भी मिला ना हम एक्चुअली खुश हैं, पता नहीं हम अभी तक सैड थे ही क्यों। इनफैक्ट हमारी ज़िंदगी अभी तक जैसी भी बीती है अच्छी ही बीती है, सुख दुख तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं, बट हम खुश हैं जैसे भी हैं। तो मुझे कैंसर्स कहीं ना कहीं इस हफ्ते खुश दिखाई देते हैं, ठीक है, हैप्पी हो, खुश और अपने पीसफुल एनर्जीज़ में रहोगे आप। हो सके तो डॉग्स को चैरिटी, प्यार, मोहब्बत या जो भी आप इन्हों जिनको भी सेवा करना चाहते हो कीजिएगा, अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर द 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, अब ये कार्ड एक ऐसा है जो आप लोग के लिए कह रहा है कि हफ्ते के एंड में अब कैंसर राशि वालों के लिए बर्डन बनता हुआ दिख रहा है, मतलब चीज़ों की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। एंड हो सके तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी शेयर करना लोगों के साथ में, इन्हों डिस्कस करना, और अपने मन में ना बातें दबा के मत रखना, अपनी बातों को जितना हो सके एक्सप्रेस करो, भले ही इन्हों सामने वाला कहे कि नो कि उनके पास टाइम नहीं है, जो भी आप फोर्सफुल तो नहीं सुना सकते हैं, और जो भी आपका ख़ास है, आपको जो समझते हैं, सुनते हैं, कई बार दिल हल्का करने से बहुत बार सोल्यूशन मिल जाता है, तो इस तरीके से अपने आप को घुटने मत देना,
ये चीज़ का ध्यान रखना, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं हफ्ते में आप लोगों के लिए बार बार ये माइंड में आएगा कि यार सारा कुछ मेरे को ही करना पड़ता है, मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं बनता, मैं ही सबका सहारा हूँ, मैं ही हमेशा सबके लिए करता या करती हूँ, मेरे लिए कौन है भाई, मेरी बैकबोन का सपोर्ट कौन है। और इस हफ्ते ना आपने अपनी बैकबोन का भी ध्यान देना है, कमर का दर्द, सर का दर्द, पैर का दर्द, ये प्रकार के इश्यूज़ रह सकते हैं, इसीलिए रेस्ट भी ज़रूरी है मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली। तो ये कैंसर्स आप लोग के लिए वाइब्स है, बट ऑनेस्टली स्टार्टिंग के जो दो कार्ड्स हैं ना, शानदार कार्ड्स हैं, मेरे सबसे फेवरेट कार्ड्स हैं, एंड ये कॉम्बिनेशन आप लोग के लिए वन ऑफ़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मैं कहूँगी शुरुआत और मिड में आप लोग के लिए बहुत ही गुड लक की एनर्जीज हैं, काम बनते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी है, जॉब बिजनेस हर एक एंगल में एक सुख पीरियड दिख रहा है मेरे हिसाब से। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँगा ना, तो ये वीक आप लोग के लिए शुरुआत हो रही है, इसमें ना एक मन का सुकून दिख रहा है। चाहे किसी को जॉब का काम या सबको ही जॉब लेनी है ज़रूरी नहीं है, जो भी आपकी जर्नी में लाइफ चल रही है आप उसमें खुश रहोगे और पॉजिटिव एनर्जीज कैंसर ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे इन दिस वीक में, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमिंग वीक कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ओके लियोस सिंह राशि, सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया है दैट इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड माना जाता है कि लाइफ में कई बार हम जीवन में नो स्लो हो जाते हैं, हमें लगता है हमें किसी से बात नहीं करनी है, हमें किसी से ज़्यादा कनेक्शन नहीं बनाना है, हमें ना अपने कमरे में आराम से बैठ के ना जर्नलिंग करनी है, लिखना है, अपने इमोशंस को खुद से प्रोसेस करना है, तो वो हमें ज़्यादा शांति देगा, ना कि हमें अपनी बातें या जो भी मन का दुख है वो किसी से शेयर करना है। एंड यहाँ पर आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, आपका कभी मन अच्छा है, कभी आपको डिस्टर्ब फील हो रहा है, तो ये हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा आप मूडी रह सकते हो, लाइक अपने मन के हिसाब से चलोगे, चिड़चिड़ापन भी आपको लगेगा, कोई मुझे रोके टोके नहीं, कोई कुछ बोले नहीं, मेरे को छोड़ दो, मुझे किससे बात करने का मन नहीं है, तो ये सारी वाइब्रेशन रह सकती है। और हफ्ते की शुरुआत में अवॉइड कीजिएगा कोई भी काम मिलो जल्दबाजी में करने का, या आप इमोशनल हो गए, आपको गुस्सा आ गया तो आपने वो तुरंत इमोशन यू नो दूसरे आदमी को दिखा दिया, तो वो आपके लिए नो ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है, एंड यू नो आर्ग्यूमेंट रिश्तों में हो सकती है, तो बस उस पर कंट्रोल रखना कि जब तक आपका मन स्टेबल नहीं होता, स्थिर नहीं होता, टेक इट ईजी, अपनी हीलिंग करो, शांति से बैठो, लिखो अपने इमोशंस एंड थॉट्स, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड प्रोसेस करो, इट्स ओके। आप मे बी कोई थिंकिंग, कोई डिसीजन, कोई इमोशनल चीज़ों से गुजरो, इट्स ओके, जस्ट गिव इट सम टाइम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिकॉज देखो जो सेकेंड कार्ड भी आया है, ये नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, क्या बात है, कहीं ना कहीं अब लियोस दोनों के कॉम्बिनेशन आप देखो, दोनों लड़कियाँ जो हैं अपने अपने कमरों में बैठी हैं, ये लड़की बैठ के सोच रही है, ओवर थिंकिंग, रात के आके बज गए, यहाँ पे 3 बज गए, इसको नींद नहीं आ रही, इसको कोई ना कोई चीज़ चिंता सता रही कि भाई मेरे साथ अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, मेरी लाइफ में अगला क्या होने वाला है, अब क्या होगा, उसको कोई ना कोई दुख या चिंता सता रही। यहाँ पर भी सेम वाइब्रेशन है, सो लियो समवेयर स्टार्ट और मिड में कार्ड्स कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप कुछ बातों को लेके स्टक, चिंता, डिप्रेस्ड, अलोन यू नो फील कर सकते हो, ये रहेगा। अब इसको ओवरकम कैसे करोगे, ओवरकम करने के लिए सबसे पहली चीज़ स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रांग रखो, मेडिटेशन, योगा पहले से करो, वॉकिंग करो, फिटनेस पे ध्यान दो, अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रखो। आई कैन गारंटी यू अगर इस हफ्ते आप यू नो शुरुआत में अगर आपको एनर्जीज फील होना शुरू हो गई हैं, तो आप अपनी तरफ से सुबह उठकर शीशे में जाते ही पहले बोलो आज मैं ऐसा क्या करूँ, मतलब शीशे में खुद को देख के बोलो आज मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या करूँ कि तुम मुस्कुराओ और तुम खुश रहो, बस वही करना जो चीज़ आपको खुशी देती है, भले वो दिन की एक एक्टिविटी हो, 1 घंटा हो, 15 मिनट हो, डजेंट मैटर, आप देखोगे पूरे दिन की वाइब्रेशन से आपके शिफ्ट हो जाएंगे, यू विल फील गुड। एंड खुद को फ्यूचर के बारे में डराना मत इस हफ्ते, क्योंकि वो बेवजह होगा, वो अननेसेसरी फियर है, वैसा कुछ होने भी नहीं वाला है, बस दिमागी वो डर है आपका, ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान देना, सब कुछ हो जाएगा, भगवान सब मदद कर देंगे, बट ये ध्यान रखना। यहाँ पे अब एंड ऑफ द वीक में आपके पास पावर आती हुई दिख रही है, स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो, द किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। अब यहाँ पर यू नो आप लोगों के लिए अगर आपको यू नो मे बी आपकी कोई दुकान है, कोई बिजनेस है,
कोई भी आपकी ऐसी चीज़ है, घर को लेके, जॉब को लेके, हर एक रूप से एक स्टेबिलिटी अब आपके लिए हो जाएगी। इमोशंस भी स्टेबल हो जाएंगे, माइंड भी स्टेबल हो जाएगा, जो चीज़ की आपको चिंता सताती थी भाई वो भी चली जाएगी, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, बस हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा संभल के चलना है आपने, अदरवाइज इट्स ऑल गुड लियोस, नो नीड टू वरी। सो यस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हाय वर्गोस, तो देख लेते क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड है द क्वीन ऑफ वॉन्स, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी पॉजिटिव रूप से शुरुआत होती हुई दिख रही है हफ्ते की। आपका मन यू नो अपने आप में खुश रहेगा। आपका अगर यू नो किसी प्रकार से आपको खुद के ऊपर डाउट है, आप खुद को यू नो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कोई काम शुरू करने के लिए, आपको लग रहा है नहीं शायद से मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता है, कर सकती, सो कार्ड आपको कह रहे आप कर सकते हो, अपने आप पे भरोसा रखो एंड अपने आप को शीशे में देख के कहो दैट यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, खुश रहो, ये चीज़ आप लोग के लिए बड़ी हेल्पफुल मानी जाएगी फॉर दिस वीक की शुरुआत में। बाकी यहाँ पर आप लोग के लिए इस हफ्ते अगर यू नो आपकी कंपनी है, कोई बिजनेस है, आप लोग का इंटरनली पैशन बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल बड़ा अच्छा रहेगा, यू नो अच्छा फील भी करोगे, सो नो नीड टू वरी। एंड हो सकता है कि आपके काम के आपको रिकॉग्निशन भी मिले, किसी के साथ गेट टुगेदर हो सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, सो इट्स ऑल गुड। ठीक है, और आपके आसपास कोई नेगेटिव लोग हैं ना जो आपको बार बार यू नो डाउन फील कराने की कोशिश करते हैं, टॉक्सिक वाइब्स देते हैं, इनसे थोड़ा दूर रहना क्योंकि ये आपको बार बार टोक सकते हैं ना, तो बस उनसे थोड़ा बच के रहना। बाकी अब मिड वीक एंड द एंड ऑफ द वीक, मिड वीक में कहीं ना कहीं ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का लोड भी दिखाई दे रहा है, आप स्टक भी फील कर सकते हो, ओवर थिंकिंग रह सकती है, बट मैं कहूँगी जो भी आप काम करना चाहते हो उसमें ना बहुत ज़्यादा सोचो मत, बस करते चले जाओ, उसमें बड़ा ज़्यादा सोचना नहीं, ये चीज़ का ध्यान रखना। हो सकता है कि आप शायद से चीज़ होने के लिए स्ट्रेस बहुत रहे हो, बट एक्चुअली हम कहते हैं ना कि जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हो ही जाता है जैसे तैसे करके, तो बस वो चीज़ें, मेहनत तो आपकी डेफिनेटली लगेगी, स्ट्रेस भी रहेगा, बट अवॉइड कीजिएगा ओवर थिंकिंग और सोचना बहुत ज़्यादा। देखो जिस वक्त में आप जहाँ पर होते हो वही सोचो, आगे आगे की मत सोचो, उससे आपका स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होगा, काम भी डिस्टर्ब होगा, आप खुद भी डिस्टर्ब रहोगे। ये ट्राई करना इस हफ्ते अच्छा रहेगा। एंड ऑफ द वीक में देखो द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, सो सॉरी द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं एंड ये आपके लिए बता रहा दैट यू नो इट्स पॉसिबल कि आपको किसी ने यू नो हर्ट कर रहा है, कोई आप किसी से परेशान और आपको लग रहा है कि कोई मुझे यू नो मे बी नेगेटिविटी दे रहा है, वो मेरे से खुश नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी है। एंड इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप किसी से हर्ट हुए हो, या तो आपने किसी का दिल दुखाया है या किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो ये कुछ इमोशनल पेन वाली चीज़ें चल रही हैं। ये भी एक कार्ड की एनर्जीज दिखती हैं कि देर आर चांसेस कि आपके पास यू नो जीवन में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक नया रास्ता आ रहा है या कुछ न्यू आइडिया आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आप अपने पास की कुछ बातों को लेकर या जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई या पास्ट में जो कुछ वर्कआउट नहीं आप उसको पकड़ के यू नो बैठ गए हो कि नो शायद से आपकी लाइफ में अब फिर से कुछ भी यू नो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ अपने आप को रोक रहे हो, चाहे वो इमोशनल लाइफ में है, चाहे वो आपकी काम की लाइफ में। सो एंजल्स एंड कार्ड्स आपको कह रहे थे डोंट वरी, ये सिर्फ आपको इस वक्त में लग रहा है कि आप स्टक हो या आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर भी देखो सेल्फ डाउट के कार्ड है, तो वर्गोस मैं आपको कहना चाहूँगी कि जितना आप अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट कर रहे हो ना, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ओके, सो अपने आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, फिर से अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, हिम्मत बनाओ कि भैया हमने पास में इतनी सारी चीज़ें हैंडल करी तो ये भी कर लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव रह के हिम्मत बना के जस्ट डील विद इट एंड आप कर लोगे। ओके, सो बाकी कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो लिब्रास, सो जान लेते ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोग के लिए।
ओके लिब्रास, सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया है दैट इज़ द पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये एक ऐसा कार्ड है जो आप लोग के लिए इमोशनल हीलिंग, विजडम, पॉजिटिविटी लाता हुआ दिख रहा है। एंड ना अगर आप ट्रस्ट करो यूनिवर्स के ऊपर तो समझ लो कि जो आप अपने मन से प्रार्थना कर रहे हो, जो करना चाहते हो, तो यूनिवर्स भी आपको कह रहा है कि भाई ठीक है तुम एक्शन लेते जाओ, छोटे छोटे कदम, छोटी छोटी तैयारी अपनी तरफ से करते जाओ, समय लगेगा लेकिन होगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर, भरोसा रखकर आगे की सोचो, बड़ा सोचो, सपने पूरे होंगे। तो वो हिसाब से अगर आप सोच रखते हो तो ज़रूर आपके लिए ना आपके सपने पूरे होंगे। लव लाइफ में भी यहाँ पे सक्सेस आती हुई दिख रही है, इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी। यहाँ पर जो सेकेंड कार्ड आया है द फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, प्रॉपर्टी परचेज, गुड लक, सेलिब्रेशन का रीज़न बनता हुआ दिख रहा है। पॉसिबल है कि नो लाइफ में आप कुछ ख़रीदना चाहते हो, गाड़ी, घर, कोई भी बिग एसेट फॉर योरसेल्फ, उन सभी सपनों के लिए येस आया। तो देखो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स को लेके कहना चाहता है कि आपके ड्रीम्स एक प्रोसेस में चल रहे हैं, एक जर्नी के थ्रू गो थ्रू हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। तो एक पॉजिटिव कार्ड है, स्पेशली जो लोग एडमिशन करना चाहते हैं, जॉब के लिए देख रहे हैं एंड कोई एग्ज़ाम्स हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहे हो लिब्रा साइंस, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर और अच्छा पीरियड बनता हुआ देखा जाएगा। विद दैट यहाँ पर दी एम्परर के कार्ड्स आए हैं। देखो सारे के सारे कार्ड्स लिब्रा इस हफ्ते आप लोग के लिए ज़्यादा पोटेंशियल आपके करियर एस्पेक्ट में दिखा रहे हैं, आपकी इंटरनल एक्सटर्नल करियर ग्रोथ के रिगार्डिंग बहुत ही शुभ दिखाया जा रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए। द फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर दोनों फोर नंबर के कार्ड्स हैं। इस हफ्ते आप लोगों के पास में अथॉरिटी, स्टेबिलिटी और पावर आपको महसूस होगी। बहुत अच्छे योग हैं उन लोगों के लिए जो लोग कहीं ना कहीं उनका सपना है घर खरीदना चाहते हैं, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं, भाई कोई स्टेबल जॉब मिल जाए, बिजनेस स्टेबल हो जाए, पैसा अच्छा आ जाए, तो ये हफ्ते ना उन सारी चीज़ों में एक फ़्लो ऑफ मनी, फ़्लो ऑफ एनर्जी, फ़्लो ऑफ गुड हेल्थ, फ़्लो ऑफ पॉजिटिविटी बना हुआ आप लोगों के लिए दिखता है। आप खुद ही कार्ड में देख सकते हैं अच्छी एनर्जी बनी हुई है। अच्छा एक और चीज़ है कि आपको ये ज़रूर महसूस हो सकता है कि आप एंड ऑफ द वीक में कि आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हो और ये बहुत मेहनत के बाद में ज़िंदगी आपको कोई अच्छा रिजल्ट देती है, तो वो अपॉर्चुनिटी को या वो चीज़ को आप खोना नहीं चाहते हो। एंड लाइफ में थोड़ा सा आप सीरियस रह सकते हो एंड ऑफ द वीक में। देखो स्टार्ट और मिड में तो आपका मूड अच्छा रहेगा, एंड ऑफ द वीक में ना आप थोड़े से चिड़चिड़े, स्ट्रिक्ट या थोड़े से कंट्रोलिंग रह सकते हो अपनी लाइफ को लेके, या थोड़े से ज़्यादा सीरियस हो सकते हो। नाउ दैट्स ओके एंड फाइन, सीरियस रहो या खुश रहो, इट डजेंट मैटर। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जब आप सीरियस हो यहाँ पर तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। कहीं ना कहीं जब जब आप काम करो, जब जब आप इंटेंशन सेटिंग करो, ये ज़रूर रखिएगा कि ठीक है भाई अपनी कोशिश हम कर रहे हैं, आगे भगवान की मर्ज़ी, जो भी हो हमें मंजूर है, वैसी वाली एनर्जी रखोगे तो अच्छा माना जाएगा। रेस्ट कार्ड्स आपके लिए सक्सेसफुल हैं, अच्छे हैं, पॉजिटिव है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, अच्छा ही माना जाएगा आप लोग के लिए हफ्ता। सो रेस्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हाई स्कॉर्पियंस, सो ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए जान लेते हैं हम कार्ड्स की मदद से। ओके स्कॉर्पियन, सबसे पहला कार्ड है द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द कार्ड ऑफ सक्सेस, द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन एंड ओके तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखो तीनों कार्ड्स में सबसे पहली चीज़ तो करियर ग्रोथ है, सक्सेस है, कुछ न्यू स्किल्स सीखते हुए दिख रहे हैं, कुछ न्यू ट्राई करते हुए दिख रहे हैं एंड फाइनली बिजनेस। आई लव दिस डॉग, ये कॉकर स्पैनियल डॉग है, मैंने जस्ट अभी नोटिस किया, आई एम सो सॉरी, मेरे पास भी कॉकर स्पैनियल है और इट्स सच ए क्यूट डॉग। रीडिंग के बीच में डॉग पेट लवर्स को डॉग दिख जाए तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, और मेरे पास कॉकर स्पैनियल है ना, तो ये डेक में मैंने कॉकर स्पैनियल देखा तो मैं एकदम ही डिस्ट्रैक्ट होगी रीडिंग से, माई डियर स्कॉर्पियन, सो आई एम रियली सॉरी। सो मेरी पेट का नाम जुगनी है, अगर नो अभी तो वो वीडियोज़ में नहीं आती है, कभी कभार इंस्टाग्राम यूट्यूब पे दिख जाती है, सो अगर आप इन्हों फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। पर चलो खैर, लेट्स कम बैक टू द रीडिंग स्कॉर्पियंस। चलो ठीक है, ये ना बड़ा अच्छा कार्ड है,
करियर का है, सक्सेस का है, फेम का है। सो देखो आपकी करियर में जो भी आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी करो ना, एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के लिए, स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। आप कहोगे यार काम करना है, ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं। अच्छा, कोई भी आइडिया को ना निगलेक्ट मत करना, सारे आइडियाज़ ना लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, ये करेंगे 2024 में, ये करेंगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो, सक्सेस आएगी। ये कार्ड है द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। देखो यहाँ पे ऐसा रोड बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है। सो आप लोग के मन कुछ कह रहा है, कुछ नया करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ करियर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, मे बी अब्रॉड जाना चाहते हो, मे बी कुछ रिस्क लेना चाहते हो, वॉन्ट टू ट्राई रियली रियली समथिंग न्यू। सो उस हिसाब से आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी सक्सेस बनी हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर ये थ्री ऑफ वॉन्स है, ये लड़की एक्साइटेड है, उसकी लाइफ में कुछ न्यू होने जा रहा है, एंड शी इज़ रियली एक्साइटेड अबाउट इट। एंड आपको ना ये रिस्क लेना पड़ेगा, स्कॉर्पियंस आपको लगेगा कि पता नहीं आप कर सकते हो कि नहीं, आपसे हो पाएगा या नहीं, यू नो, बट ट्रस्ट मी स्कॉर्पियंस, जैसे एक आज की एनर्जीज है, आप जो मेहनत कर रहे हो, आपको आज भी वो चीज़ शायद इम्पॉसिबल लग रही कि पता नहीं आपका सपना पूरा होगा या नहीं, बट आप जितने फ्लावर्स देख रहे हो ना माय डियर स्कॉर्पियंस, ये इंडिकेशन है कि आपके ड्रीम्स फुलफ़िल होंगे, आपको आपकी मेहनत का रिज़ल्ट मिलेगा, चाहे जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो पूरी होगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स एंड एंजल्स एंड टैरो कार्ड्स आपको कह रहे हैं, ठीक है। सो आई डोंट नो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त में, पर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो किसी ना किसी रूप में आपको पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और विल पावर दे रहे हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर ग्रोथ। आपके सपनों को लेकर, आपकी इच्छाओं को लेकर, आपकी सिचुएशन को लेकर आपको कह रहे हैं कि बिंदास आप आगे बढ़ो, आपको सक्सेस मिलेगी। और ये हफ्ता शुभ है फॉर गेटिंग जॉब, फॉर एनी वर्क रिलेटेड थिंग्स अच्छा है, रिलेशनशिप में भी अच्छा माना जाएगा, कोई न्यू प्रॉब्लम्स तो नहीं दिख रही है, शादी के लिए अगर बातचीत चल रही तो उसके लिए भी अच्छा माना जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो बहुत अच्छी रीडिंग है ये आप लोग के लिए, आगे भगवान की मर्जी कितनी इंटेंसिटी में कितने स्कॉर्पियंस इस एनर्जीज को रिसीव करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। हर एक का चार्ट अलग है, एनर्जीज अलग है, बट स्टिल हमें एक ब्रॉडर पिक्चर मिल जाती है स्कॉर्पियंस। सो इट्स ऑल गुड फॉर दिस वीक। मैं कहूँगी करियर पे एकदम धमाकेदार अपना फोकस रखना, करियर में बहुत अच्छा पोटेंशियल है फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच एंड आई लव दिस कार्ड। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच। हेलो सजिटेरियस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो सजिटेरियस, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आप लोग के लिए पहला कार्ड है वो है दी एस ऑफ वॉन्स के कार्ड्स आए हैं। ये आप लोग के लिए, इनफैक्ट तीनों कार्ड्स दी वॉन्स के कार्ड है। अभी काफ़ी अच्छी एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही है, सिर्फ एक बीच का कार्ड है जो ओवर थिंकिंग का कार्ड है एंड स्ट्रेस का कार्ड है। अदरवाइज जो फर्स्ट कार्ड आया है ये आपके लिए कह रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और एक कहीं ना कहीं न्यू आइडिया आप लोग के लिए आता हुआ दिख रहा है। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल लाइन यहाँ पे लिखी है, डोंट यू सी हाउ योर पैशन मेक्स यू ग्लो, सो फॉलो योर पैशन। इसका मतलब ये कि यू नो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं उसका एक ड्रीम होता है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हूँ, मुझे ये सपने के लिए काम करना है, मुझे वो अचीव करना है। तो वो सारे आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनके ऊपर आप काम ज़रूर कीजिए इन दिस वीक। आपका जब तक यू नो मन में वो एक इच्छा शक्ति है कि मुझे ये करना है, तब तक इंसान यू नो हैप्पी है, अलाइव है। वो इच्छा शक्ति ही अगर नहीं है या कोई डिज़ायर या कोई ड्रीम ही नहीं है, देन लाइफ बिकम्स वेरी बोरिंग एंड डल। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए रिमाइंडर आ रहा है कि उस अपने पैशन को अलाइव रखिए, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तो वो हेल्पफुल रहेगा। नाउ विद दैट जो सेकंड कार्ड आया है द नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं एंड यहाँ पर भी बहुत अच्छी लाइन लिखी, दैट इट वुड टेक अ हेल ऑफ अ लॉट मोर टू डिफीट यू। अब इसका मतलब ये है कि नो कि कहीं ना कहीं नो धनुराशि आपको लग रहा है कि नो कि शायद सिचुएशन की वजह से या किसी भी परिस्थिति की वजह से आप यू नो बड़ी जल्दी हार मान जाओगे या आपसे नहीं हो पाएगा या आपको लोग अगर टारगेट करें तो शायद तो जो भी आपका डिज़ायर है वो आप नहीं कर पाओगे। मे बी आपके रिलेशनशिप में आपके रिलेटिव्स हैं, आपके काम में कोई लोग हैं जो आपको बार बार टारगेट कर रहे हैं नो फॉर एनी टाइप ऑफ नेगेटिविटी, ब्लेम गेम,
जो भी स्ट्रेस है आपके पास में, आप एक दो बार अगर कोई सिचुएशन में फेल हो गए तो आपको लग रहा है भैया फिर से मेरी चीज़ ना लाइफ में वर्कआउट नहीं होगी, तो वो कार्ड आपको कहना चाहते हैं कि नो, कि बहुत हिम्मत और बहुत फोर्स लगेगा आपको हराने के लिए, या आपको हराना इतना आसान नहीं है। तो खुद पे भरोसा रखिए, हिम्मत रखिए, धनु राशि वाले आप स्ट्रांग हैं, कर सकते हो, उम्मीद मत छोड़िएगा, डोंट लूज होप, ये ध्यान रखिए। नाउ मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्ट्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यू नो ओवर थिंकिंग के रूप में एनर्जीज रह सकती है। एंड एंड ऑफ द वीक इज़ अगेन वेरी वेरी पावरफुल। द एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, अब ये ट्रैवल का भी कार्ड है, ये आप लोगों के लिए नो एक ऐसा कार्ड है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, नो बिजी रहोगे, हेक्टिक स्केड्यूल रहेगा, ट्रैवलिंग हो सकती है, एंड एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड इन अ नाइस वाइब रहेगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वर्क रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ फर्स्ट एंड सेकेंड कार्ड बेस्ट है, तो स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक बढ़िया रहने वाली है। मिड वीक में थोड़ा सा यू नो अपना कॉन्फिडेंस और विल पावर बढ़ानी होगी, तो मिड वीक के एक दो दिन ना आप थोड़े से ऐसे रहोगे, यार समझ नहीं आ रहा, ठीक है करने को अपनी रूटीन कर रहे हो, सब कुछ करो, बट मन ही मन ना एक कन्फ्यूज्ड वाली फीलिंग चलेगी, वो थोड़ा आप अपने ऊपर सेल्फ के ऊपर काम कर लेना, ये कार्ड को वापस से सुन लेना, तो हिम्मत आ जाएगी एंड इट विल बी ऑल गुड धनुराशि। ठीक है, देखो लव रिलेशनशिप के मामले में अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिखती हैं, बाकी रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ, हेल्थ वगैरह सब अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत के कार्ड्स मुझे उस एंगल में आप लोगों के लिए नहीं दिखे हैं। ठीक है, एंड ट्रस्ट यूनिवर्स, इस हफ्ते मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, यूनिवर्स पर भरोसा रखो कि वो आपके लिए काम कर रहे हो, जो आप इंटेंशन सेटिंग कर रहे हो वो वर्कआउट हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है, थैंक यू। हेलो कैप्रिकॉन्स, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, मकर राशि, सबसे पहली जो आप लोग के लिए एनर्जीज आई हैं, द किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये इमोशनल हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड आप लोगों के लिए ना एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग दिखा रहा हो, कोई अच्छी खबर भी आ सकती है इस हफ्ते आप लोग के पास में। देखो अच्छी खबर, अपॉर्चुनिटी आने के बहुत अच्छे योग हैं, बिकॉज यहाँ पे द गुड लक चार्म के भी कार्ड आए हैं, द कार्ड ऑफ गुड लक एंड पॉजिटिविटी। सो फर्स्ट कार्ड एंड सेकेंड कार्ड अपने आप में ही एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर यू नो मुझे लगता है कि जितना आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना अच्छा इस हफ्ते आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लाइफ में। काम बढ़िया चलता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप, फैमिली सपोर्ट, गुड लक है। जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं आप लोग के लिए भी योग अच्छे बने हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जो थर्ड कार्ड आया है ये जस्टिस का कार्ड है। देखो कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप अपनी बातों को लेकर काफ़ी अच्छा स्टैंड लोगे। अगर आपको लग रहा है आपके साथ कहीं पर भी इनजस्टिस हो रही है, मे बी इन रिलेशनशिप्स, मे बी इन वर्क लाइफ, किसी भी रूप में, तो आप ना ऐसे रहोगे कि डजेंट मैटर मेरे साथ या मेरे सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या है, जो मुझे सही लगता है मैं वही करूँगा या करूँगी। तो ये आपकी एनर्जीज रहेंगी स्पेशली एंड ऑफ द वीक में। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत बोल्ड डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं इस समय में। ऐसा नहीं देखा जाएगा कि आप यू नो इन्फ्लुएंस हो गए या इमोशनल हो गए या आप यू नो अपने एडजस्ट कर ले, नहीं, आपके काफ़ी बोल्ड डायलॉग्स एंड बोल्ड डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट हफ्ते की शुरुआत में आप इमोशनल हो, बट हफ्ते की एंड में बैक टू वर्क या बैक टू प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, विच इज़ फाइन एंड ओके नॉर्मल। सिर्फ वो वाइब्रेशंस चेंज होती हुई दिख रही है, बट अदरवाइज़ आप लोगों के लिए ये वीक अच्छा। एक चीज़ का ध्यान रखना, एंड ऑफ द वीक में आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना, अपने जो बात कहनी है कहो, लेकिन फाइट करके और दूसरे को गलत साबित करके कुछ मतलब नहीं है। आपको जो सही लगता है आप वो करोगे, आपको कोई उसमें टोके, कोई बोले तो उस पर आप कह सकते हो कि मुझे मेरे लिए ये सही लगता तो मैं ये करूँगा या करूँगी। आपके लिए अगर वो गलत है तो कोई बात नहीं, आप उसको मत कीजिए या मत फॉलो कीजिए, डजेंट मैटर, बट आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है, ये ध्यान रखना। चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी वे में हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखिए, चाहे रिश्ते में हो, काम में हो, किसी भी रूप में, तो वो चीज़ आपको बड़ी हेल्प करेगी इजीली डिसाइड करने को कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, क्या एक्शन लेने, क्या करना है, क्या नहीं। ठीक है, आपके एजुकेशन के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से अच्छा माना जाएगा। देखो एंड कार्ड शनिदेव का है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत एंड ऑफ द वीक में हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं माइनर रूप में, किसी भी प्रकार का लेग्स में पेन, बैक पेन रह सकता है। तो अपनी तरफ से अपनी हेल्थ का आपने एंड ऑफ द वीक में ध्यान देना है, ओवर स्ट्रेस,
ओवर रूप से जो आपको तकलीफ दे वो चीज़ें अवॉइड कीजिएगा, हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, दैट्स इट. अदरवाइज इट्स ऑल गुड माय डियर कैप्रिकॉर्न्स. कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी. एंड आई लव दिस कार्ड, यू नो आई रियली लव दिस कार्ड, बिकॉज यहाँ पे जो बर्ड बनी है ना, ये सिंबल है फॉर यू नो आपके लिए कुछ पॉजिटिव मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं. सो आई होप कैप्रिकॉर्न सी एनर्जीज को एक्सपीरियंस करें. सो कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच. हेलो एक्वेरियस, सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस है एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके ठीक है. सो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है एक्वेरियस, दैट इज़ द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स. देखो हफ्ते की शुरुआत में ही एनर्जीज कुछ ऐसी रहेंगी कि आपका मन कर सकता है भैया पहली चीज़ तो कहीं घूमने जाएं, कहीं वेकेशन पे जाएं, बहुत हो गया अपनी रूटीन से बोर हो गए, कुछ चेंज चाहेंगे, कुछ डिफरेंट चाहेंगे. अगर आपके अभी तक यू नो अपने किसी पार्टनर से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, किसी अपने से दोस्त से, तो यहाँ पर वो कम्युनिकेशन बनते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप हील होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं. किसी के ऊपर अगर आपको क्रश है तो वो हीलिंग के रूप में यू नो एक इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रही है रिश्तों के मामले में. वहीं यहाँ पर एक और एंगल है, दैट इज़ अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी का कुछ आइडिया का वेट करो तो डेफिनेटली आते हुए दिख रहे, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड कार्ड जो है ये अपने आप में एक ऐसे कार्ड है जो आप लोगों के लिए एनर्जीज़ को यू नो पॉजिटिव बनाकर आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाते हुए दिख रहे हैं. आपकी जितनी भी स्टक प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं. एंड अबंडेंस, खुशी, गुड लक, पॉजिटिविटी आता हुआ दिख रहा है. अब जो लास्ट कार्ड है यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर यू नो लड़की के दोनों हाथों में कॉइन है, ठीक है, दैट मीन्स मनी है, बट वो उस मनी को बैलेंस कर रही है. तो हो सकता है एंड ऑफ द वीक में बहुत से एक्वेरियस एक्सपीरियंस कर सकते हैं दो बातें. पहली चीज़ तो मे बी आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, ऑक्यूपाइड हो अपने घर गृहस्थी को, अपनी फैमिली लाइफ को और अपने यू नो पर्सनल लाइफ या अपने काम की लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ये एक एंगल दिखाई देता, तो वो बैलेंस बना के रखना. अनदर एस्पेक्ट इस कि पैसा आ तो रहा है लेकिन उतना जल्दी जा भी रहा है, तो पैसा बैलेंस नहीं हो पा रहा है, या पैसा कमाने के लिए आपको अपनी ही सेविंग में से बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही, तो ये आपको चिंता सता रही है कि भैया ये कैसे करें. देखो पैसे के सब में जो भी आपकी जगलिंग चल रही है चिंता ना करें, ये चीज़ आपकी टेम्पररी है, बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगी. एंड बट इस वक्त में ये पैसे का इन्वेस्टमेंट करना या रिस्क लेना या ये चीज़ों का बैलेंस बना के रखना करना पड़ेगा, ज़रूरी है. वहीं आपको अपने डिसीजन मेकिंग को, जैसे आपने कुछ डिसाइड किया कि भाई ये चीज़ करनी है तो बस उस पर डट के उसको करना, उस पर कन्फ्यूज या गिव अप नहीं आपने करना है. ये आपके लिए मोटिवेशन के रूप में आप लोग के लिए मैसेज आया है, ये आप ध्यान दीजिएगा. बिकॉज देखो अगेन एंड अगेन आप देखोगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो बात अलग है कि कुछ एक्वेरियस ये टाइम पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं भाई आने को तो आता तो है लेकिन अचानक से फिर रुक जाता है, डिले हो जाता है, ये सब. सो कीप ऑन ट्राइंग समथिंग न्यू, अलग अलग वे से ट्राई करते रहिए, क्योंकि कहीं पर भी गिव अप कार्ड्स नहीं है, ऑल ओवर रीडिंग पॉजिटिव ही आई है, स्पेशली फर्स्ट टू कार्ड्स आइडियाज़ को लेके, प्रॉपर्टीज़ को लेके, काम को लेके, एजुकेशन को लेके अच्छे कार्ड्स है, कोई चिंता वाली बात नहीं है. अबंडेंस, मनी फ्लो, इनफैक्ट जो भी चीज़ के लिए आप परेशान हो ना कि भैया इसमें येस है या नो है क्या करूँ, तो मोस्टली समझ लीजिए ज़्यादा परसेंटेज येस की तरफ ही आप लोग के लिए आए कि आपके वर्क रिलेटेड के एंगल में अगर आप कोई चेंज डिसीजन लेना चाहते हो या कोई इच्छा प्रकट कर रहे हो कि ये मेरे लिए हो जाए, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि मोस्टली उसके लिए येस ही है, सो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो उस काम को बढ़ाने के लिए. ओके सो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो. कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी है. थैंक यू सो मच. हेलो पाइसेस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके पाइसेस, सबसे पहला कार्ड द सन के कार्ड्स आए हैं. ये कार्ड बताता दैट यू नो कि समवेयर और दी अदर, पहली चीज़ तो गुड लक, गुड न्यूज़, पॉजिटिविटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको कह रहे हैं कि
यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि अपने आप को अलाउ करो, अपने लिए टाइम निकालो, अपने आप को खुश करो, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, एंड जो भी चीज़ आपको खुशी दे रही है वो प्लीज़ फॉलो करो. फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर गट फीलिंग, फॉलो योर पैशन ज़रूर करो. बिकॉज देखो, ये पैशन कार्ड है, ये कार्ड ऑफ सक्सेस है, और कहीं ना कहीं ये कार्ड ऑफ इमोशनल लव, हीलिंग, ब्लेसिंग, पॉजिटिविटी का है. देखो, सिंपल चीज़ है, यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि या तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को समर्पण कर दो, या तो ये समझ लो कि आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते रहो. जो चीज़ें आप बाहर की दुनिया से एक्सपीरियंस करना चाहते हो, पहले वो आप खुद अपने आप को तो दो. जैसे कि अगर आप चाहते हो दूसरे लोग आपको प्यार करें, तो पहले आप तो खुद को प्यार करो. आप चाहते हो दूसरे आपको रिस्पेक्ट करें, खुद तो पहले रिस्पेक्ट करो अपनी. तो ये एंगल से सेल्फ हीलिंग का ये सारा पार्ट होता है. तो अपने आप को सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बढ़ाइए. अपना कॉन्फिडेंस आप बढ़ाओगे तो लोग भी आपको कॉन्फिडेंट ही देखेंगे. तो ये ना बड़ा इनर वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो कहते हैं ना कि जैसे आप अपने आप को शीशे में देखते हो, वैसे ही लोग आपको देखते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर यू. बट अदरवाइज मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बात कर लें, तो ये हफ्ता शुरुआत और एंड में आप लोग, सॉरी, शुरुआत और मिड वीक तक काफ़ी शुभ है. कोई भी काम करना चाहते हो तो समझ लो वो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा. स्टार्ट से लेके मिड तक एनर्जीज अच्छी हैं. किसी भी काम को करने जाओगे तो उसमें गुड लक, ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं. एंड ऑफ द वीक में द फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं. अब ये देखा जा रहा है कि आप कोई ना कोई सिचुएशन को लेके नो होपलेस हो रहे होगी, पता नहीं ये चीज़ें वर्कआउट होंगी या नहीं होंगी, अब मेरे साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, पता नहीं ये प्रॉब्लम में हम कब तक रहेंगे. तो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि जो भी आप प्रॉब्लम में हो वो परमानेंट नहीं है. जितना आप उस सिचुएशन को होपलेस समझ रहे हो, उतना आप मत समझो, कहीं ना कहीं से आपके पास मदद आएगी. इनफैक्ट अगर आप मिनो, आपको लगता है कि मुझे इससे हेल्प मांगनी चाहिए, उससे हेल्प मांगनी चाहिए, जो भी सिचुएशन है, चाहे लव है, फाइनेंशियल है, वट एवर, तो वो आप ज़रूर मांगिएगा, हिचकिचाइएगा नहीं. क्योंकि कहीं ना कहीं से आप लोग के लिए कहा जा रहा है कि आप होप अपनी बना के रखें, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी. एंड आई थिंक ये टेम्पररी है. आई थिंक हार्डली 1 या 2 वीक्स तक ये प्रॉब्लम्स के यू नो एक प्रभाव रह सकता है, जल्दी ठीक हो जाएगी. वहीं स्टार्ट ऑफ द वीक में ही जो आपको ब्लेसिंग्स आएंगी, यही आपके अपने आप में इशू रिजॉल्व भी कर सकती है फॉर मेनी ऑफ द पाइसेस. रेस्ट हर एक की नो इशूज़ एंड कंसर्न्स अलग होते हैं, डिपेंड करता है. बट मैं आपको यही समझाना चाहूँगी कि आप अगर नेगेटिव हो रहे हो तो प्लीज़ मत होइए, पॉजिटिव रहिए अपनी तरफ से, अपनी बेस्ट करो. इमोशनली, मेंटली, यू नो, एफर्मेशन ज़रूर बोलिएगा अच्छे अच्छे. बहुत लोग पूछेंगे व्हाट इज़ एफर्मेशन, देन कैसे बोलें? तो सिंपली, यू नो, जो अच्छे शब्द कहते हैं ना, आपकी ज़ुबान पे दिन में एक बार माँ लक्ष्मी का वास होता है. आप जो कहते हो वो हो जाता है. तो अब वो कब होगा हमें भी नहीं पता, तो इसलिए दिन भर अपने शब्दों से अच्छा ही बोलो. बार बार ये मत बोलना कि मेरे पास पैसा नहीं आता, पैसा नहीं टिकता, काम नहीं होते. सो यू नेवर नो आपके ज़ुबान से निकली चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट हो जाए. सो इसलिए दिमाग तो चलो नेगेटिव पॉजिटिव होता रहता है, एटलीस्ट शब्दों में तो हम अच्छा ही बोलें. ये इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा आप लोगों के लिए. सो ध्यान दीजिएगा. अदरवाइज स्पाइसेस रीडिंग ठीक है, फर्स्ट टू मिड वीक तक अच्छा माना जाएगा. एंड ऑफ द वीक स्लो है. कम्युनिकेशन, आर्ग्यूमेंट अवॉइड कीजिएगा एंड ऑफ द वीक में. बाकी चीज़ें अच्छी हैं. कमेंट बॉक्स में बताइएगा पाइसेस कैसी लगी रीडिंग. थैंक यू सो मच.